हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं फॉर्मेट फंक्शन का क्या प्रयोग होता है। वैसे तो फॉर्मेट फंक्शन का एक्सेस में कई प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम यहाँ डेट के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास टेबल है जिसमें 2020 जो 2020 ईयर है उसके इसमें डेट्स लिखी हुई हैं, और यहाँ 1990 है और 2019 है, 2018 है, तो तमाम ईयर्स की इसमें डिटेल लिखी हुई है। और अब हम फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ होगा क्या। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेट्स हमने लिखी हुई हैं, फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग करने के बाद ये इस फॉर्मेट में आ गए, यानी कि मंथ का नाम आ गया है, फिर ईयर आ गया है। हम कुछ इसी प्रकार का करके देखेंगे। तो आइए चलिए क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और यहाँ से टेबल को ऐड कर देता हूँ मैं। और टेबल को ऐड करने के बाद इन दोनों फील्ड्स को मैं ले लेता हूँ और यहाँ से ड्रैग करवा के यहाँ आ जाता हूँ। अब चूंकि हम डेट मंथ और ईयर की बात कर रहे हैं, तो DMY मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे लगा लेंगे हम कोलन। कोलन लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा जूम व्यू पे लेता हूँ, आपको बेहतर तरीके से ये दिखाई भी पड़ेगा। तो ये देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है फॉर्मेट। तो यहाँ लिखा मैंने फॉर्मेट, फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग करना है। यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए आप। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डेट, क्योंकि यहाँ पर हमने डेट नाम की फील्ड ली हुई है, तो डेट ही आपको लिखना होगा। तो यहां लिख लिया हमने डेट, लिखा, इसको क्लोज कीजिए। क्लोज करने के बाद कॉमा दे दीजिए। डबल यूटेड कोट्स में हम यहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं एम एम एम, थ्री टाइम एम लिखते हैं पहले, और उसके बाद डबल यूटेड कॉमा ओपन करते हैं, फिर क्लोज कर लेते हैं। इतना करने के बाद कॉमा देंगे। अब यहां पर सिर्फ अगर इतना ही करें तो क्या होगा, ये देखिए। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद यहां से ओके प्रेस करता हूं, और यहां से अब इसको रन करवाता हूं। पर एक डबल एडेड कोर्स छूट गया है, तो अब इसको रन करवाता हूं। तो ये देख सकते हैं मंथ का नेम यहां पे आ गया है। तो ये एक क्वेरी हो गई जिससे आप मंथ का नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। अब इसमें से हम मंथ, जैसे 7 मंथ है, तो ये मंथ जो है जुलाई का है, जून का है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई मैं डेट लिखता हूँ या चूज करता हूँ यहाँ से, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 29 चूज किया, तो ये देखिए यहाँ पर अपने आप आ जाएगा जुलाई। 7 मंथ है तो जुलाई आ गया। अगर हम कोई और डेट पिक करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी अगस्त, और यहाँ पे ईयर चेंज कर देता हूँ मैं, 2019 कर देता हूँ, 18 कर देता हूँ, जो भी। तो यहाँ पे देखिए सितंबर आ गया अपने आप, और ये 3 अक्षरों में आ रहा है, पूरा नेम नहीं आ रहा है। पूरा नेम कैसे आएगा, क्रिएट पे चलते हैं, क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं, और यहाँ से आकर के इसको ऐड करवा लीजिए आप। और यहाँ पे दोनों टेबल्स को, फील्ड्स को मैं ऐड करवा लेता हूँ, ये ऐड करवा लिया हमने। और यहां पर फिर मैं लिखता हूं MY, यानी मंथ और डेट की बात करेंगे, मंथ और ईयर की बात करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग, तो यहां लिखा मैंने फॉर्मेट, इसको जूम व्यू पे भी ले लेता हूं, आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा इस वजह से, तो ये ले लिया हमने। अब फॉर्मेट फंक्शन जैसे ही यहां पर क्रिएट पे चलते हैं और क्वेरी डिजाइन पे आते हैं, अब फिर इसको ऐड करवा लेते हैं, और इन दोनों फील्ड्स को मैं ऐड कर लेता हूं। ये हमने कर लिया ऐड, कर लिया। अब यहां पर फिर वापस से वही चीज मैं यहां पे लिख लेता हूं, चूंकि मंथ और ईयर की ही जरूरत है, तो एम वाई लिख लिया मैंने और कोलन लगा लिया। इसको थोड़ा जूम व्यू पे भी ले लेता हूं बेहतर तरीके से दिखाई पड़ने के लिए। अब यहां फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग करता हूं, लिखता हूं फॉर्मेट, ओके, और यहां स्मॉल ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां पे लिखता हूं डेट, डेट लिख लिया हमने, कॉमा दिया। अब डबल डॉट कॉमा ओपन, फिर क्लोज। ये देखिए डबल डॉट कॉमा ओपन और क्लोज करने का क्या मतलब, यहाँ पर पहले मैंने ओपन किया है, अब यहाँ पे किस फॉर्मेट में चाहिए हमें। अब अगर मान लीजिए आपको ईयर पहले चाहिए, तो यहाँ पे 4 टाइम Y लिखा हमने, पहले 3 टाइम M लिख रहा था, अब 4 टाइम Y लिखा हमने, ठीक है। अब इसको क्लोज नहीं करूंगा, यहाँ पे डबल डॉट कॉमा ओपन, फिर क्लोज करूंगा, ठीक है। कॉमा दिया, और कॉमा देने के बाद अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मंथ वाला जो है उसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डबल डॉट कॉमा ओपन, फिर क्लोज, फिर लिखता हूँ एम 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 M, 4 टाइम इस बार M लिखा, और इसको यहां से कर दिया क्लोज, और इसको भी क्लोज कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देख सकते हैं पहले ईयर फिर मंथ आ रहा है, ये देख लीजिए। एक और क्वेरी लास्ट में बना के दिखा देता हूं, अगर मान लीजिए कि पहले हमें मंथ चाहिए हो तब क्या करेंगे। तो इन दोनों को यहां से खींच करके यहां ले आइए, और यहां पर अब हम लिखते हैं वाई एम, ईयर मंथ कर दिया हमने, और यहां पर अब फिर फॉर्मेट फंक्शन का प्रयोग। तो फॉर्मेट लिखा हमने स्मॉल ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां लिखता हूं डेट, क्योंकि डेट ही नाम की फील्ड है,
और डेट लिखने के बाद कॉमा दूंगा, इसको जूम व्यू पे लेना ठीक रहेगा। ये देखिए कॉमा दे दिया हमने, कॉमा देने के बाद क्या करना है, डबल इनवर्टेड कॉमा को ओपन करना है फिर क्लोज करना है। कब क्लोज करेंगे, पहले ओपन किया हमने, अब मंथ चाहिए हमें तो 4 times month लिख दिया हमने, एम लिख दिया। अब इसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन फिर क्लोज, ओके। अभी ये वाला डबल इनवर्टेड कॉमा जो हमने ओपन किया था इसको नहीं क्लोज करना, ये वाला जो पहले वाला है। अब क्या करना है, कॉमा देना है, अब ईयर की जरूरत है तो वाई 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 कॉमा, इसको पहले हम यहाँ पे लगाना है, ये लगाया हमने, ओके प्रेस किया। अब इसको रन पे क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये हमारा ईयर भी आ चुका है। चलिए एक और क्वेरी बनाते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे चलते हैं और यहाँ से ये हमने ले लिया दोनों को। अब इस बार हम डेट वाली फील्ड को पाना चाहते हैं तो यहाँ पे ले लिया हमने और यहाँ लिखा हमने फॉर्मेट स्मॉल ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट फिर यहाँ पे डेट ले लिया हमने, डेट कॉमा देंगे। इस बार हमें पहले डेट चाहिए तो यहाँ पे लिखा मैंने डी डी, दो बार डी लिखा। इसको क्लोज नहीं करना आपको, आपको डबल कॉमा यहाँ पे ओपन करना है। देखिए कैसे क्या करना है बता देता हूं मैं फिर से, यहाँ पे ओपन किया आपने, अब यहाँ पर एक बार डबल कॉमा लगाइए फिर क्लोज कर दीजिए, इसके बाद कॉमा दीजिए आप। और यहाँ पर अब चूंकि मंथ लेना है तो यहाँ पर हमें प्रेस करना है 4 times M M M M। अच्छा ये 4 times M M M लगाने के पहले यहाँ पर इसको थोड़ा एक बार फिर मैं जूम व्यू पे लेता हूँ। अब देखिए 4 times M M लगाने के पहले यहाँ पर डबल कॉमा ओपन कीजिए फिर क्लोज कीजिए। अब क्या करना है, लास्ट में जो ये वाला डबल इंटेड कॉमा है इसको क्लोज करना है तो यहाँ पर कर दीजिए क्लोज और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट को भी कर दीजिए क्लोज। आइए अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डेट एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है, ठीक है। इसके पहले मंथ और ईयर हमने देखा, अब हमने डेट देखा। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, इसका और भी कई प्रयोग है, आगे की वीडियोस में बताता रहूंगा मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।